सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा उड़ीसा के आम जनता को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आशीर्वाद दिया और हमें सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दी। मैं आभार व्यक्त करूंगा, मेरा कृतज्ञता रहेगा प्रभु जगन्नाथ जी के पास, जिनके आशीर्वाद के बिना ये असाध्य साध्य नहीं होता। मैं आभार प्रकट करूंगा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतृत्व को, जिन लोगों ने मेरे ऊपर ये आस्था प्रकट किया है। और ये पद नहीं, ये दायित्व है जो संकल्प पत्र में हम सब लिखे थे, जब उड़ीसा उड़िया के लोगों को बोले हैं, वो श्री मंदिर के बारे में हो, वो पेड़ी के बारे में हो, वो सब ठीक है ना। तो इस पूरा करने के लिए जितने भी शक्ति है वो प्रभु जगन्नाथ हमें दे। आज के दिन